झालावाड जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा अधिकतर क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया है। क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी घोषित की गई है, वहां पर आवश्यक सेवाएं संबंधित सभी सेवाएं बंद कर दी गई है। अब खुद जिला प्रशासन घर घर पहुंचकर राशन और दूध की व्यवस्था कर रहा है। यहां पर लोगों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि वो घरों के बाहर ना निकले और घरों पर रहकर ही सुरक्षित रहे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले लोगों की शहर में पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी गई है। नजदीकी मध्य प्रदेश बॉर्डर होने के कारण उसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जिले की 54 लेबर यहाँ पे फंसी हुई है 2 महीने लॉकडाउन से पहले से, और अब ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं, वतन वापस जाना चाहते हैं। गिनी चुनी मुश्किल से 10-20 दुकानों पर राशन की दुकानों पर चना की दाल पहुंची है। उपभोक्ता परेशान है, बार बार ऐसी कड़ी धूप में लाइन लगा के खड़े हुए हैं, बोलते हैं दाल चाहिए दाल चाहिए दाल चाहिए। 2-3 दिन बाद जब भी दाल की डिलीवरी होगी उनको फिर दोबारा से बुलाना पड़ेगा। यही नहीं रहा, अब यहाँ पर आए लाइन में तो कल भी 12 बजे तक धूप में बिठाए रखे, और आए तो एक दूसरे को मार के और भग गए। पुलिस आई तो हमारे को डंडे बकरे बकरी भगाते ना ऐसे भगा के, और पुलिस चल गई है तो उसकी तो सुनाई हो रही है। हम गरीब भरे क्या यहाँ पर, गेहूँ लेने आए थे, गेहूँ गेहूँ मिल गया, दाल का तो पता नहीं, तारीख 1 की थी जो आज तारीख 3 नहीं, खाना खाए से यही तो कह रहे पानी से खाएंगे, दाल भी दो। हम होंगे कामयाब। अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना का जो चित्र से कोविड-19 फैल रही है, उसको देखते हुए लोगों में जागरूकता संदेश देने के लिए आज ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें गायक कलाकार के माध्यम से कोरोना गीत पेश करके और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो जागरूकता संदेश है वो गीत के माध्यम से दिए जा रहे हैं लोगों को, ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सके। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।